नंबर वन पे हैं, इंडियन भी पाकिस्तानी भी। मेहमान नवाजी हम बहुत दिल से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदनान जफर हूँ। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। लास्ट टाइम पिछले व्लॉग में मैंने दिखाई थी आपको गोभी के खेत, तो आज दोबारा से मैं गोभी के खेत में आया हूँ। यहाँ पर गोभी लग चुकी है, ये देखें, ये गोभी लगी हुई है, ये फूल गोभी है, ये देखें। ये लगना स्टार्ट हो गई है, अभी ये तैयार हैं, लेकिन अभी और बड़ा होने देंगे इसको। ये देखें, ये अभी कच्ची है, ये अभी लग रही है, कहीं पे लग रही है, कहीं पे लग चुकी है, ये देखें। बहुत ही प्यारा लगता है जब ये, अभी तो ये छोटे हैं ना, जब ये फूल लग जाते हैं ना फूल, इतना बड़ा हाथ, इतना किलो के जैसे दाने बाजार में मिलते हैं उस तरह से ये हो जाता है। ये अभी छोटी है, अभी और बड़ी होगी ये, जब ये और बढ़ जाएगी ना तो इसको उतार लेंगे, फिर इसको मंडी में सेल कर देंगे, यहाँ से पिकअप अभी भी कर रहे। तो इन्होंने मुझे कहा है कि आपको गोभी चाहिए तो आप ले लें, मैंने कहा नहीं नहीं, क्योंकि मैं सुबह ले गया था, कल हमने बनाई थी, मैं दो सीटें यहाँ से ले गया था, तो घर वाले अभी फुल हैं गोभी खा कर ना, तो उनका अभी मैं सुबह पराठे भी खा के आया हूँ गोभी के, मज़ा आ गया। ये घर की गोभी है, ऑर्गेनिक है, इनमें खाद वगैरह नहीं है, मतलब कि देसी तरीके से बनाई हुई है, बहुत मज़े की है। ये देखे सारे पीछे वहाँ तक सारे गोभी के खेत हैं, सारे आगे मैंने एक नहीं, मतलब कि काफ़ी सारी ज़मीनों में इस एरिया में सारी गोभी ही गोभी लगी हुई है। तो ये लोग सब्जियां ज़्यादातर उगाते हैं, हर साल ऐसे होता है जब सीज़न आता है ना गोभी का, तो ये लोग लाजमी गोभी लगाते हैं और गाजर भी लगाते हैं, गाजरें भी लगी हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कहीं पे गोभी जो सब्ज़ी है वो लग चुकी है, पक गई है, और कहीं पे अभी लग रही है, कहीं पे अभी लगने बाकी है, तो ऑलमोस्ट लगने ही वाली है। वो सामने आपको किसान नज़र आ रहे होंगे, जूम कर रहा हूँ, ये खेतों को पानी वगैरह लगा रहे हैं, और जहाँ से पानी बाहर निकल रहा है उसको ठीक कर रहे हैं, ये गोभी की देखभाल भी कर रहे हैं, और खेतों की मतलब कि जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत है वहाँ पानी भी पहुँचा रहे हैं। वो देखें, वो काई वगैरह लेकर, तो ये इतने ज़्यादा मतलब के तादाद में इस साइड पे गोभी बनाई जाती है ना, पैदा की जाती है, गोभी लगाई जाती है, सब्जी लगाई जाती है, आलू लगाए जाते हैं, और हर सीज़न में, यानी कि ये लोग सब्जी ही या सब्जियां ही लगाते हैं, पता नहीं क्यों, ये मुझे समझ नहीं लगी, हो सकता है इनका ताल्लुक सब्जियों वाले से हो। ये गंदम उतनी लगाते हैं जो अपने घर के लिए काश करते हैं बस, बाकी सब्जियाँ गोभी हो गई, गोभी का सीज़न हो तो गोभी लगा देते हैं, और अगर गाजर का भी है, गोभी का भी है, किसी ने गाजर लगाई हुई है और किसी ने गोभी लगाई हुई है। गाजर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और बाकी जब सीज़न आलू का आता है तो ये लोग आलू भी लगाते हैं। हमारी आबो हवा के मुताबिक आलू का सीज़न अभी नहीं आया, मुख्तलिफ़ इलाकों में काश्त हो जाता है, मुख्तलिफ़ इलाकों में नहीं होता, जैसे कहीं देर से होता है पहाड़ी इलाकों में, कहीं जल्दी हो जाता है। जहाँ पर गोभी तैयार हो गई है ना, तो वहाँ पर वर्कर लगा दिए गए हैं, वो वर्कर जो मोटा मतलब कि बड़ा जो बिग साइज़ का होगा ना, जो फूल तैयार होगी गोभी का फूल, वो वहाँ से सब्ज़ी पिक कर लेंगे, फिर इस तरह से ये हाथ से बाय हैंड कलेक्ट करते हैं और फिर इसको सेल करते हैं। मैं दिखाता हूँ अभी आपको, ये सामने देखें, ये सामने वर्कर खड़े हैं, ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे लगे हुए हैं पिक कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर ही हैं, बाहर के नहीं हैं ये ना, फैमिली मेंबर मतलब कि जिन लोगों ने, जिनकी ज़मीनें हैं ना, जिन लोगों ने ये काश्त की हुई है गोभी। ये देखें मेरे इर्द गिर्द सारी आपको गोभी नज़र आ रही होगी, तो जिन लोगों ने ये काश्त की हुई है ना, तो वो लोग खुद फैमिली वाले, यानी कि सारे, यानी कि रिश्तेदार, चाचा, मामा, नाना, जो भी हैं, बहन भाई, सब आ जाते हैं, लेडीज़ भी, जेंट्स भी, बच्चे भी, सारे हेल्प करते हैं खेतों में,
सब्जी को पिक करने में, और यहाँ से इसको हार्वेस्टिंग कर सब्जी की हार्वेस्टिंग करते हैं, और फिर जितनी हो जाती है डेली की, फिर डेली के डेली सेल कर देते हैं। ये इस तरह से छोटे तिपके पे इन पर इन्होंने काश्त की हुई है, तो ये डेली का पिक करके ना डेली ही सेल कर देते हैं। तो ये डेली के डेली, मैं जैसे आपको बता रहा था कि डेली पिक करके डेली सब्जी मंडी में जाकर सेल कर आते हैं। कुछ घर वाले जो इनके हमसाए होते हैं, रिलेटिव होते हैं इर्द गिर्द के, जो आबादी के लोग हैं, ये देखें ये आबादी है सारी इस साइड में, तो ये लोग इनसे परचेज कर लेते हैं अपना डेली पकाने के लिए, तो ये लोग उनको सस्ती सेल कर देते हैं। मैं भी इनसे ले गया था, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जब आया था ना, तो मैं शूटिंग कर रहा था, तो मैंने कहा मुझे ये ऑर्गेनिक वैसे बनी हुई है ना गोभी, तो मैंने कहा मुझे घर के लिए चाहिए, उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिया। बड़े दिल के लोग हैं यार हमारे पाकिस्तानी, बड़े दिल के लोग हैं। विलेज एरिया के तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ही नाइस लोग हैं, हंसमुख हैं, मतलब कि बहुत मज़ा आता है और दिल इनका बहुत बड़ा होता है। मेहमान नवाजी में तो हमारे पाकिस्तानी बहुत ही अच्छे दिल के हैं, नंबर वन पे हैं, इंडियन भी पाकिस्तानी भी। मेहमान नवाजी हम बहुत दिल से करते हैं, और जितना हमसे हो सकता है ना, जितनी हमारे पास होती है, हम उतनी हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं मेहमान नवाजी में। हमारे हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में कोई मेहमान आ जाए तो हम बहुत खुश होते हैं। बता तो उन्होंने मुझे एज अ मेहमान समझा, गेस्ट समझा, तो इसलिए उन्होंने मुझे दो सिट्टे दे दिए बड़े बड़े गोभी के, तो मैं घर ले गया, घर जाकर बनाई, बहुत ही मज़ा आया यार, लजीज बनी थी खाने। मैं अब खा के आ खड़ा हूँ, फुल होकर आ खड़ा हूँ। आज बनाएंगे घर वाले, आज मैं मेथी और आलू लेकर दे आया हूँ, तो आज वो मेथी आलू बनाएंगे, और कल हमने बनाई थी गोभी। कल मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाया था यहाँ पर, लेकिन गोभी लेकर ऐसे गुजर रहा था, तो फिर उन्होंने दे दी। ये देखें ये गोभी के खेतों के दरमियान ये दरख्त, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार, कमाल लग रहा है। वहाँ से मैंने देखा है, तो वहाँ से भागता हुआ इसके पास आ गया हूँ व्लॉग बनाने के लिए। आगे देखें ना, वो सामने घास लगा हुआ है जानवरों के लिए चारा, जूम करता हूँ ये देखें, और वो सामने देखे बाग आम लगे हुए हैं सारे, आम का बाग है आगे सारा, इस साइड पे सारा आम का बाग है, इस साइड पे देखे आबादी है इस साइड पे, बाकी उधर आम का बाग है। लोगों की ईंटें आई हुई हैं, ये जिन जिन जगहों पे ईंटें पड़ी है ना प्लाटों में, ये उन लोगों की है, उन्होंने घर बनाना है। वाह वाह, ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ अभी ट्राली आ रही है मट्टी से भर रही है, ये सारी ईंटें पड़ी हैं देखें, ये पीछे सारा बाग है, और दरख्त नज़र आ रहे होंगे आपको, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, पीछे बाग है आगे आबादी है, तो इस साइड पर ये गोभी के खेत हैं ये देखें। पर ये ट्यूबवेल ऑपरेटर है जहाँ से इनको पानी दिया जाता है, ये देखिए गोभी के खेतों को या जिनके भी खेत हैं, सब यहाँ से रابطہ करते हैं इनसे, यहाँ से पानी अपने खेतों को देते हैं। ये वाली गोभी जो लगी हुई है ना, ये आपको लुक इसका अजीब लग रहा होगा, देखें बहुत प्यारा सा गोल सा, मतलब कि ऐसे लग रहा होगा जैसे फूल है, तो इसलिए क्यों ऐसे लग रहा है ये फूल है ये देखें, क्योंकि ये फूल गोभी का खेत है, बाकी जो मैंने दिखाए हैं ये फूल गोभी का है, हाँ ये बंद गोभी का खेत है, बंद गोभी नहीं होती जो जो हम सलाद में यूज़ करते हैं, फूल गोभी बोल गया था भूल कर मैं, ये बंद गोभी के खेत हैं, और ये फूल गोभी है जो मैंने अभी दिखाई है आपको, बंद गोभी जो हम सलाद में डालते हैं ये वो वाले खेत हैं, देखें कितने प्यारे हैं इसके पौधे, ये देखें गोभी के खेतों के इर्द गिर्द ये लगा दिए हैं, कमाल लग रहे हैं ये भी। ओ आप तक के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार पहले भी मैंने इस पे व्लॉग बना चुका हूँ, इस बार मैंने आपको सब्जी लगी हुई दिखानी थी इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए इतना ही।